आपको पता होगा कि प्रभु श्री राम के भक्त यानी कि हनुमान जी का एक नाम बजरंगबली भी है। तो आखिर उन्हें बजरंगबली क्यों कहते हैं? क्या हनुमान जी और बजरंगबली में कोई अंतर है? क्या हनुमान जी और बजरंगबली इन दोनों के स्वरूपों में भी कोई अंतर है? आज की इस वीडियो में मैं आपको इन तीनों सवालों के जवाब देने वाला हूँ। देखो, अगर मैं बात करूँ हनुमान जी की, तो आपने अपने बचपन में या फिर ज़िंदगी में कभी ना कभी एक कहानी तो ज़रूर सुनी होगी हनुमान जी की। जब बचपन में हनुमान जी सूर्य को फल समझकर उसको खाने के लिए उसके पास पहुंच गए, तो इस दौरान सूर्य को जब उन्होंने अपने मुंह के अंदर डाल दिया तो इंद्रदेव ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन हनुमान जी उस समय नहीं रुके। उसके बाद इंद्रदेव ने अपना वज्र निकालकर उन पर वार किया, हनुमान जी पर वार किया, जिसके चलते हनुमान जी की जो ठुड्डी थी वो टूट गई, और ठुड्डी को हनु कहते हैं, इसलिए उनका नाम हनुमान पड़ गया। जहाँ तक बात है कि हनुमान जी का नाम बजरंगबली क्यों पड़ा, तो मैं आपको बता देता हूँ कि बजरंगबली का असली मतलब होता है वज्रंगबली, यानी कि जिनका शरीर वज्र का बना हो। आपको पता होगा कि हनुमान जी के पास सभी देवी देवताओं की वरदानी शक्ति है। सभी देवी देवताओं ने जब उनकी ठुड्डी टूट गई थी तो सभी देवी देवताओं ने उन्हें आशीर्वाद दिया था और अपनी शक्ति भी दी थी, और इसके साथ साथ जो देवराज इंद्र हैं उन्होंने भी अपने वज्र की शक्ति उन्हें प्रदान की, इसलिए हनुमान जी को बजरंगबली भी लोग कहने लगे। और जहाँ तक बात है हनुमान जी के स्वरूप की, तो इन दोनों नामों में हनुमान जी का स्वरूप एक ही जैसा है। इसके अलावा अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ेंगे तो वहाँ पे हनुमान जी के कई सारे नाम आपको दिख जाएंगे, जैसे पवन पुत्र, शंकर सुवन, अंजनी पुत्र, ऐसे बहुत सारे नाम हनुमान जी के वहाँ पे दिख जाएंगे। हनुमान जी के बारे में जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखकर बताएं, और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जुड़े रहें हमारे इस चैनल के साथ।